24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर पर ऑल पार्टी मीटिंग के मसले पर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दलों के 14 नेताओं को शामिल होने का औपचारिक न्योता भेजा जा चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि 24 जून को जम्मू कश्मीर पर सभी दलों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर में दोबारा राज्य का दर्जा मिल सकता है। जम्मू कश्मीर पर बड़ी सियासी हलचल। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 24 जून को होगी 14 नेताओं से मीटिंग। पीएम मोदी का नए जम्मू कश्मीर का ब्लूप्रिंट। 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के 14 नेताओं को बकायदा औपचारिक तौर पर न्योता भी भेजा जा चुका है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ये इस तरह की पहली बैठक होगी। 24 जून को होने वाली इस सर्वदलीय बैठक से पहले रविवार को प्रधानमंत्री आवास पर मोदी सरकार के बड़े नेताओं के साथ पीएम मोदी ने एक अहम बैठक भी की है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री आवास पर यह मीटिंग करीब 3 घंटे तक चली। धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, नरेंद्र सिंह तोमर इस बैठक से भी बाहर निकलते हुए दिखे हैं। अगर राज्य को रिस्टोर किया जाता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश से राज्य में बदलने का फैसला किया जाता है, तो परिसीमन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि कुछ पार्टियों ने विरोध किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विरोध किया है, उसमें अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजा है। और ये एक और गाड़ी जिसमें मंत्री और सरकार के दूसरे मंत्री शामिल हैं, लगातार जो गाड़ियों का काफिला है वो निकल रहा है, बार बार जो मंत्रियों की गाड़ियां हैं। परिसीमन की बात की जा रही थी, परिसीमन के लिए 3-1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया था जो कि मार्च में खत्म होगा, तो राज्य बनेगा तो उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया चलेगी। वो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के सर्वदलीय बैठक के ऐलान के साथ ही राजनीतिक हलकों में ये कयास लगने शुरू हो गए कि आखिर 24 जून को होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में आखिर प्रधानमंत्री क्या बातचीत करने वाले हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं? CNN न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की खबर के मुताबिक 24 जून को होने वाली सर्वदलीय मीटिंग में जम्मू कश्मीर को दोबारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिल सकता है। 24 जून को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के नेताओं के सामने नए जम्मू कश्मीर का ब्लूप्रिंट रखेंगे। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल सकता है। खबर के मुताबिक जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली नहीं होगी। धारा 370 और 35 से हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ केंद्र सरकार की यह बातचीत एक बड़ा कदम है। इस बातचीत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जीए मीर के अलावा कश्मीर के कुछ और नेताओं को भी दावत दी गई है। इसके अलावा जम्मू सूबे से ताल्लुक रखने वाले कुछ नेता भी इन्वाइट किए गए हैं। पीएम मोदी के न्योता के बाद दिल्ली ही नहीं बल्कि कश्मीर में भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई। 24 जून को होने वाली इस बैठक से पहले पीडीपी के नेताओं ने इस मीटिंग में शामिल होने पर आपस में विचार विमर्श किया। पीडीपी नेता सुहेल बुखारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास पर होने वाली इस बैठक में शामिल होने का फैसला पार्टी की संसदीय कमेटी ने महबूबा मुफ्ती पर छोड़ दिया है। इस हवाले से जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो महबूबा मुफ्ती साहिबा को सारी लीडरशिप की जितनी मेंबर्स हैं उन्होंने ऑथराइज किया कि वो इस पे फाइनल डिसीजन लें और उन्हीं का डिसीजन फाइनल होगा। ऐसा माना जा रहा है कि 24 जून को होने वाली बैठक से पहले जम्मू कश्मीर के अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी बैठक करने के साथ साथ पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक में भी इसको लेकर आखिरी फैसला लेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष जीए मीर ने इस बैठक को एक सही कदम बताया। हमारी जो नाराजगी रही है वो इसी बात की, पार्लियामेंट हमेशा कानून बनाने का हक रखता है
मगर जमहूरी तर्ज अमल जब गायब होता है तो क्वेश्चन उठता है। जम्मू कश्मीर के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट हिस्से के बारे में सरकार को कोई फैसला लेना था, अगर असम्बली का वेट करते ज़्यादा अच्छा। असम्बली के एब्सेंस में ऑल पार्टी मीटिंग पहले बुला लेते, सबको ऑन बोर्ड लेते, शायद ये दो साल का पीरियड इतना नाराज़गी का, इतनी नुकसान का नहीं निकलता। मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता का कहना है कि ये जम्मू कश्मीर के लिए एक नई शुरुआत होगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक बहुत ही पॉजिटिव ये कदम रखा गया है, तो उसको देखते हुए जो भी किसी पार्टी की अपनी बात होगी, अपनी विचारधारा होगी, उसी संदर्भ में वो बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय के लिए एक दिशा तय होगी, इसीलिए लगता है कि 24 तारीख को ये जो मीटिंग बुलाई गई, और ये भी उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द इलेक्शन भी हो सकते हैं। 24 जून को होने वाली इस मीटिंग में क्या ऐलान होगा, फिलहाल इस पर सस्पेंस अभी बरकरार है। लेकिन जम्मू कश्मीर पर होने वाली इस बैठक से पहले देश की हर पार्टी की नज़र